अपने मन में अपनी खटर पटर ना चलाएं, जब कुछ कहा जा रहा है तो सुनने का प्रयास करें। अब आप किसी बात कर रहे हैं तो चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट या थोड़ा आश्चर्य का भाव भी ना हो कि सामने वाला किसी बात से परेशान हो और दुखी हो और आप और उसको देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं। कपड़े हमेशा दूसरों के लिए पहनते हैं, खाना अपने लिए खा जाता है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजय मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो है बॉडी लैंग्वेज सुधारने के कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी बात है कि आप बातचीत करते हुए जो जेस्चर्स देते हो, जो इशारे करते हो, ये इशारे आपके जीवन में, आपके कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। किस प्रकार से आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं, आप जानते हैं हमारे कम्युनिकेशन का 93% हिस्सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। हमारे शब्द जो है केवल 7% ही इफेक्ट डालते हैं। उन शब्दों को बोला किस अंदाज में जाता है, उसकी टोन कैसी है, उसका अंदाज क्या है, किस प्रकार से उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, स्पीड घटाई जाती है, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में सारी बातें आ जाती हैं। शब्द जो बोल रहे हो वो बोल ही रहे हो, लेकिन उसको किस अंदाज में बोलना है ये सीखने में बड़ा समय लगता है। और उसके साथ साथ जो जेस्चर देने हैं, जो ये हाथों को, जो ये आंखों को, आंख की पुतलियों को जो मूव किया जाता है, जो जेस्चर दिए जाते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। आज मैं बात करूंगा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। लगभग 50% कम्युनिकेशन का हिस्सा है आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। आंखों से, शरीर की मुद्राओं से, चेहरे से, कैसे बैठना है, किसकी बात करते हुए कैसे सिर को हिलाना है और किस प्रकार से अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, इन इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बात को रखें, याद रखें कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी बात है। जब आप सही ढंग की बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अनेक गुना बढ़ जाता है। बॉडी लैंग्वेज को बढ़ाने के कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नंबर वन जो चीज है वो है आंखों से कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट बनाना। दोस्तों, हमारी आंखें मन का दर्पण होती हैं। जब भी किसी से बात करें, आंखों से आंखें मिलाकर बात करें, हो तो उसके आंखों में घूरना नहीं है, सिर्फ देखना, सहज रूप से देखना। जब मैं कहता हूं आंखों से आंखों में आंखें डालने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टटोलते रहे कि बंदा कहां देख रहा है और वो इधर देख रहा है तो आप इधर देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को हरकतें करते हुए देखा है, ऐसा बिल्कुल ना करें। आई कॉन्टैक्ट बनाना मतलब प्यार से उसकी ओर, सिंपली नॉर्मल सहज भाव से उसकी ओर देखना। आप 10-15 सेकंड में हल्का इधर उधर देख सकते हैं, लगभग आपको नीचे नहीं देखना, ये याद रखिएगा। अपना जेस्चर जरूर देते रहे, सामने वाला कुछ कह रहा है उसकी बात को ध्यान से सुने, अपने मन में अपनी खटर पटर ना चलाएं, जब कुछ कहा जा रहा है तो सुनने का प्रयास करें। अपनी आंखों से भी दिखाएं कि आप सुन रहे हैं, आपकी आंखें भी सुन रही हैं, आपका शरीर, आपका चेहरा, आपके जेस्चर भी सुन रहे हैं। आंखों को शांत और काम रिलैक्स स्थिति में रखें, ताकि सामने वाले की आंखों में जब आप देखते हो तब सामने वाले को नॉर्मल और कंफर्टेबल लगना चाहिए, आपको घूरना नहीं है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं कि कुछ लोग बिल्कुल ही, बस मुझे तो बोला गया कि आंखों में आंखें डालकर देखना है और वो लगातार ऐसे घूर रहे हैं। डोंट डू दैट। तो याद रखिए, अगर आपको सामने वाले की आंखों में देखते हुए या नजरें मिलाते हुए हिचकिचाहट होती है तो आप उनकी दोनों आईब्रोज के बीच में देख सकते हैं। इससे आप कंफर्टेबल फील करेंगे और सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करेगा, उसको यही लगेगा कि आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, आप नजरें बचाए नहीं। बहुत बार मैंने देखा है लोग गर्दन ऐसे नीचे करके इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बात करते हुए भी सेम कंडीशन आती है। जब इधर उधर देखते हैं, आप सोचिए फिल्मों में होता है कि आप इधर चले जा रहे हैं और इधर बात कर रहे हैं, ये फिल्मों में होता है, या जब लाइव दो लोगों के बीच की बातचीत हो ना तो कोशिश करें कि आंखों में आंखें डालकर जरूर देखें। नंबर टू, चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट रखना, एक प्यार भरा जेस्चर रखना। अगर मुस्कुराहट ना भी आ सके, फेक आपको मुस्कुराहट आने में दिक्कत लगे, तो हल्का सा बस एक पॉजिटिव जेस्चर रखें। अच्छा, इस प्रकार से जब आप किससे बात कर रहे हैं ना तो चेहरे पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट या थोड़ा आश्चर्य का भाव भी, किसी चीज को जान रहे हैं तो उसके बातचीत के हिसाब से अपने जेस्चर, थोड़ा चेहरे पर जो है वो हंसी आना, अच्छा ओ अच्छा ऐसा, तो स्माइल भी मिले अगर जब आप किसी की बात को सुने, और जब आप किसी के साथ मिले तो चेहरे के साथ एक स्माइल हो, लगे कि मतलब बिल्कुल जो है ना आप किससे मिल रहे हैं तो पूरी गर्म जोशी के साथ। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि सामने वाला किसी बात से परेशान हो और दुखी हो और आप उसको देखकर मुस्कुराए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं। उसका मूड देखकर अपनी मुस्कुराहट का लेवल चेंज कर लेना बड़ी कला है, बहुत थोड़े लोगों को यह कला समझ में आती है। आपकी हंसी हल्की और स्वाभाविक होनी चाहिए, मतलब अगर हंस रहे हैं तो हंसी स्वाभाविक लगे, नेचुरल लगे, एकदम से खिलखिलाकर नहीं हंसना, नहीं तो बहुत अजीब लगेगा, मुस्कुराकर बड़े प्यार से। नंबर तीन, बॉडी पोस्चर, शारीरिक मुद्रा बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है शारीरिक मुद्रा। आप चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो, आपको अपने शरीर को सीधा रखना है। आप कंधे झुकाकर खड़े हो, या जब आप कंधे झुकाकर खड़े होते हैं तो लोगों को लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कभी भी कंधे झुकाकर नहीं खड़े होना, कंधों को नॉर्मल रखिए, ये सहज भाव है। अब डिपेंड करता है, तो नॉर्मली जो लोग अपने सीनियर से जब बात हो रही होती है तो लोग अपनी गर्दन को ज्यादातर नीचे रखते हैं, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, ये आपकी कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाता है। गर्दन को नीचे मत कीजिए, कंधों को नीचे मत कीजिए, नॉर्मल बात कीजिए, सहज रहिए। सीनियर है तो अपनी जगह पर है, ठीक है, सम्मान देना है उसको, पर मुंडी नीचे करके नहीं खड़ा होना। हाँ जी बोलिए। जी मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, बताइए। सम्मान दीजिए, शब्दों से, चेहरे से, जेस्चर से आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन
लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को गिरा कर नहीं, अपने आत्मसम्मान के साथ जो है आप उसकी बात को सुनेंगे, और जहां लगे कि मुझे अपनी बात को क्लियर करना जरूरी है जरूर पूछिए, जरूर पूछिए नम्रतापूर्वक प्यार से, और देखिए अपना कॉन्फिडेंस भी बना रहे और आपकी बात भी जरूर हो। और याद रखिए, जब आप कुर्सी पर बैठे हो तो आराम से बैठे, अपने पैर जरा खोल के बैठे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप जो ये जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को दबा कर बैठते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो दिखता है, जब आप बिल्कुल खोल कर बैठते हैं मतलब अपने पैरों को ऐसे, तो आपका कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आपको परवाह ही नहीं है, केयरलेस एटीट्यूड दिखाता है, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सहज भाव से बैठे हैं, जैसी कंडीशन जैसी मीटिंग जैसे लोग उसके हिसाब से आपका वैसा ही चेंज आपके अंदर आपको लेकर आना है। नंबर चार, शरीर को बॉडी को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, विस्तार कैसे किया जाता है, इसकी भाषा क्या है। जब आप अपने शरीर को थोड़ा सा फैलाते हो, थोड़ी सी जगह लेते हो, तो ओपन बॉडी लैंग्वेज में आते हो, मतलब जब शुरू शुरू में तो हम किसी से बात करते हुए थोड़ा संकोच करते हैं, थोड़ा प्यार से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन जैसे जैसे उस व्यक्ति के साथ आप बातचीत करते हुए थोड़ा कंफर्टेबल होने लगते हो, जैसे आप थोड़ा सा बातचीत में नॉर्मल होने लगते हैं, अगर वो बातचीत बहुत फॉर्मल नहीं है, मतलब कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल हो जाए, तो ओपन बॉडी लैंग्वेज का यूज करें। ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब है सामने वाले की, यानी कि आपका जो सर है वो सीधा सामने वाले व्यक्ति की तरफ हो, आपके कंधे सीधे हो, लोगों को यह पता चलेगा कि आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और निडर इंसान है, और लोग आपके साथ जल्दी घुल मिल जाएंगे। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सिकुड़ कर, कंधे झुका कर या हाथ बांध कर देते हो, तो आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज में आते हो, तो क्लोज बॉडी लैंग्वेज का परिचय नहीं देना, ओपन बॉडी लैंग्वेज का परिचय देना कि आप जो कही जा रही है उसके प्रति सुनने के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो। नंबर पांच, चेहरे के हावभाव फेशियल एक्सप्रेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको अभी बताया फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, जब भी आप किससे बात करें तो आपके चेहरे के हावभाव उसी सिचुएशन के हिसाब से, अगर कोई गंभीर विषय पर बात कर रहा है तो डेफिनेटली आपको गंभीर ही दिखाना है, कोई खुशी से बात कर रहा है तो आपके चेहरे पर भी खुशी दिखनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इस भाषा को नहीं समझ पाते, वो अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, तो वहां पर उनका बहुत नुकसान हो जाता है। अपने चेहरे के हावभाव फेक नहीं हो, नॉर्मल हो, याद रखिए फेक नहीं करना। इसके लिए आप थोड़ी सी मिरर टेक्निक का यूज कर सकते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर सवाल पे आपके मन की क्या रिएक्शन होती है, इसके लिए आप मिरर टेक्निक का यूज कर सकते हैं, और मिरर के सामने जो आप रिएक्ट करें आप देखिए कि आपका चेहरा किस प्रकार से दिखता है, क्योंकि और तो आपको कोई नहीं बताएगा कि आप ठीक बिहेव कर रहे हैं, आपका चेहरा सही है या नहीं है, ये कोई आपको इनपुट नहीं देगा, आपको खुद से ही जज करना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखिए, आपसे ज्यादा आपका चेहरा बोलता है, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे हैं तो इसके आपकी बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। नंबर छह, चेहरा या सिर हिलाना, फेस नोडिंग। जब सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो रिस्पांस देना है, एग्जांपल के तौर पर आप अपना सिर हिला सकते हो, अच्छा, आप हां या हूं कर सकते हो, मतलब बड़े प्यार से, ओ अच्छा अच्छा इसका मतलब ये है, अरे वाह मुझे बड़ा अच्छा लगा ये बात सुनकर, तो थोड़ा एक्सप्रेशन दीजिए चेहरे से, पॉजिटिव एक्सप्रेशन, सामने वाले को बात में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, उसको मजा आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि सामने वाली बात को चुपचाप सुन रहे हैं, सामने वाली बात को ये लगता है कि आप उससे कोई एग्री नहीं कर रहे हैं तो या बोर हो रहे हैं, उसको दर्शाइए कि आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सामने वाला बड़े दिल से खोल के आपकी बातचीत में कहेगा। नंबर सात, हाथों के इशारे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम रोल प्ले करते हैं, जब आप कुछ कहें तो हाथ में जेस्चर, दोनों हाथों से सिमिलर टाइप के जेस्चर बनाएं। जब भी कोई स्पीच प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर रहे हो, तो अपनी बात बताने के लिए ज्यादा से ज्यादा हैंड मूवमेंट का इस्तेमाल करें। मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों की हैंड मूवमेंट बड़ी बेशकीमती होती है, और अगर उनके आप थोड़ा सा भी उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें तो जबरदस्त तरीके से, आप संदीप महेश्वरी जी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप गौर गोपाल दास जी की बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, वो जो चेहरे के एक्सप्रेशन करते हैं ना, वो बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन है, ऐसे ये जो एक्सप्रेशन है बहुत कम लोगों को समझ आते हैं, बहुत कम लोग इनको अडॉप्ट कर पाते हैं, तो उसको अपनी स्पीच का हिस्सा बनाइए। नंबर आठ जो पॉइंट है वो है सही तरीके से हाथ मिलाना। किसी से हाथ मिलाते हो तो आपका हाथ सामने वाले के हाथों से अच्छे से मिलना चाहिए, बड़े प्यार से, और हाथों की अच्छी पकड़, बस ऐसे ही जैसे फॉर्मल से पकड़ा और छोड़ दिया, मतलब ऐसा नहीं, जैसा एक ग्रिप महसूस होनी चाहिए, हल्की सी ग्रिप जरूर महसूस होनी चाहिए। अब इसकी भी अलग अलग स्टाइल है, इसके बारे में और विस्तार से बताया जा सकता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखना, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रखना, उसको ऐसा ना लगे कि बहुत अजीब लगे, और ऐसा भी ना लगे कि बिल्कुल आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बस ऐसे ही। और नंबर 10 सबसे बड़ी बात है, कपड़े पहनने की समझ, ड्रेसिंग सेंस, जैसी सिचुएशन वैसे कपड़े। सिचुएशन याद रखिए, सिचुएशन के हिसाब से कब क्या पहनना है, और याद रखिए कि आप कपड़े हमेशा दूसरों के लिए पहनते हैं, खाना अपने लिए खा जाता है, कपड़े दूसरों के लिए पहने जाते हैं, इसलिए कपड़े सही ढंग से पहने, सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। बॉडी लैंग्वेज आपकी जिंदगी का बहुत 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 इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जरूर काम कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जरूर इंप्रूव होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।